अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इस वक्त आपसे बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने जेपीसी इजलास का बाइकाट किया। दरअसल बीजेपी एमपी अनवर मनियापडी मुबैना तौर पर बिल से तवज्जो हटा रहे थे और पेशकश के दौरान बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। आपको बताते चले, वह बिल पर होने वाली जेपीसी के इजलास को अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने बाइकाट किया है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि कमेटी की कार्रवाई कवायद और जवाबित के मुताबिक नहीं चल रही है। कांग्रेस लीडर गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके ए राजा, शिवसेना के अरविंद सावंत, मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्ला नदवी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन लीडरों में शामिल थे जिन्होंने मीटिंग की मुखालफत की। अरविंद सावंत ने इल्ज़ाम लगाया कि कमेटी के सामने पेश होने वाले लोगों को जाती इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त दी गई, बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये कमेटी के उसूलों और कवायद के तहत नहीं है। ओपोजिशन लीडरों ने उस मामले पर बात करने के लिए अलग मीटिंग की और कहा कि वो अपने अगले कदम पर गौर करेंगे। वही जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौला महमूद आसाद मदनी की क़ियादत में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपनी आरा और तजावीज़ पेश करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से मीटिंग की। जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने मुलाकात के दौरान वक्फ एक्ट पर मुजवजा तरमीमात पर कई अहम सिफारिशात पेश की। उस मौके पर जमीयत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रऊफ रहीम ने बिल के आईनी पहलुओं का तफसीली जायजा पेश किया। नाज़रीन, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय, ज़रूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम।